तो जैसे कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन विद गिवन वर्टिसेस पे बात कर चुके थे, तो हमने बात की जी एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन पी क्यू आर जो है, ये आपको इस तस्वीर में नजर आ रहा है पी क्यू आर, ये आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, एक हर वर्टेक्स से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, उसके बाद आप थ्री ट्रेपेजॉइड्स यानी वन दिस ट्रेपेजॉइड वन टू एंड ये जो नीचे वाली है ट्रेपेजॉइड बन रही है ठीक है बेस पे, ये तीन ट्रेपेजॉइड्स लेके आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पे देखें इज इक्वल टू, इसका मतलब है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन पी क्यू आर, पी क्यू आर वो किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए सबसे पहले y1 यानी हाफ जो है वो एज इट इज, हाफ टाइम्स एज इट इज, आप ये देखें y1 टाइम्स x3 आ जाएगा, y1 x3, y1 x3, उसके बाद माइनस y1 x1 ठीक है, यानी y1 एक दफा इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इस तरह y3 x3 प्लस y3 x3 माइनस एक्स वन वाई थ्री, एक्स वन वाई थ्री चले, इसके बाद प्लस हाफ टाइम्स, हाफ टाइम ये भी इस तरह से वाई थ्री एक्स टू, वाई थ्री एक्स टू, वाई थ्री एक्स टू माइनस वाई थ्री एक्स थ्री एंड प्लस एक्स टू वाई टू माइनस वाई टू एक्स थ्री, ये भी हो गया, एंड देन नेगेटिव टाइम्स नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा माइनस वन बाय टू, ये आ जाएगा y1 x2 माइनस y1 x1 एंड देन प्लस x2 y2 माइनस x1 y2। यहाँ से अगर हम हाफ कॉमन ले लें, यहाँ से अगर मैं हाफ कॉमन ले लूँ ठीक है, और ये मेरे पास बन जाएगा अगर मैं यहाँ से दिस इज हाफ, अगर मैं यहाँ से हाफ कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा y1 x3 माइनस y1 x1 प्लस y3 x3 माइनस x1 y3 प्लस y3 x2 माइनस y3 x3 प्लस x2 y2 माइनस y2 x3। अब देखिए ये नेगेटिव साइन है तो जाहिर इन सब के साइन चेंज होगा, माइनस y1 x2 प्लस y1 x1 माइनस x2 y2 एंड प्लस एक्स वन वाई टू। चलिए जब देखें जो कैंसिल आउट हो सकते हैं उनको कैंसिल करते जाते हैं, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाफ टाइम्स, हाफ टाइम्स एक्स थ्री वाई वन, एक्स थ्री वाई वन, उसके बाद है माइनस वन माइनस एक्स वन वाई वन और प्लस एक्स वन वाई वन से कैंसिल, एक्स थ्री वाई थ्री माइनस एक्स थ्री वाई थ्री से कैंसिल एंड माइनस एक्स वन वाई थ्री, नेक्स्ट आ गया माइनस एक्स वन वाई थ्री बिकॉज इसका हमारे पास कोई भी ऑपोजिट नहीं है। उसके बाद अगर आप देखें एक्स थ्री वाई टू और माइनस एक्स थ्री वाई टू ये कैंसिल ठीक है, उसके बाद एक्स टू वाई टू माइनस एक्स टू वाई टू कैंसिल ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स टू वाई थ्री, एक्स टू वाई थ्री हमारे पास है एक्स टू एंड वाई थ्री ठीक है, यहाँ पे साइन हमने एक्स टू वाई थ्री अगर देखें चलें जी एक्स टू वाई थ्री एंड एक्स टू, बल्कि एक्स टू वाई थ्री, एक्स टू वाई थ्री हमारे पास नहीं था इसको हमने गलती से कैंसिल किया है ठीक है, एक्स थ्री वाई वन देखें एक्स थ्री वाई वन ये मैंने सबसे पहले लिखा ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया माइनस एक्स वन वाई वन प्लस एक्स वन वाई वन, एक्स थ्री वाई थ्री माइनस एक्स थ्री वाई थ्री कैंसिल एंड माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री, उसके बाद अब प्लस एक्स टू वाई थ्री इसका भी नहीं है, एक्स टू वाई थ्री देखें तो एक्स टू वाई थ्री हमारे पास नेगेटिव बनी, एक्स थ्री वाई टू है एक्स टू वाई थ्री नहीं है ठीक है, ये भी हो गया, उसके बाद एक्स टू वाई टू माइनस एक्स टू वाई टू कैंसिल ठीक है, उसके बाद एक्स वन वाई टू ठीक है, बल्कि ये भी हमारे पास अगर आप देखें तो ये भी हमें लिखना पड़ेगा माइनस वाई टू एक्स थ्री माइनस एक्स थ्री वाई टू कर लें एंड माइनस वाई वन एक्स टू एंड लास्ट पे आ गया प्लस एक्स वन वाई। चले जी ये हमारे पास बच गया, अब इसको अगर आप देखें, अगर इसको देखें अगर आप तो एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ टाइम्स, हाफ टाइम्स यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से हम अगर मैं एक्स वन कॉमन ले लूँ, एक्स वन अगर मैं कॉमन ले लूँ ये देखें यहाँ से एक्स वन कॉमन लिया एंड इसमें एक्स वन है ठीक है, तो एक्स वन कॉमन लिया
ये हमारे पास आ जाएगा, यानी पॉजिटिव एक्स वन, ये कॉमन लें तो एक्स वन कॉमन ये तो आ जाएगा वाई टू माइनस वाई थ्री, वाई टू माइनस वाई थ्री, यहाँ पे देख लें एक्स वन कॉमन, ये वाई टू माइनस वाई थ्री, एक्स वन कॉमन लिया हुआ, ठीक है। उसके बाद है प्लस एक्स टू, प्लस एक्स टू कॉमन ले लें, एक्स टू कॉमन ले लें तो ये एक्स टू है, ठीक है, और एक आपके पास ये एक्स टू है, जब एक्स टू कॉमन ले लें तो आ जाएगा वाई थ्री माइनस वाई वन, वाई थ्री माइनस वाई वन, और उसके बाद प्लस एक्स थ्री कॉमन ले लें, प्लस एक्स थ्री अगर आप कॉमन ले लें तो बन जाएगा वाई वन, वाई वन एक्स थ्री, देखें एक्स थ्री कॉमन ले लिया वाई वन एंड माइनस वाई टू, वाई वन माइनस वाई टू, ठीक है। इसका मतलब है अगर मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करूं तो ये बन जाएगा, थोड़ा रीअरेंज करूं तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा हाफ टाइम्स, हाफ टाइम्स चेंज द कलर, हाफ टाइम्स एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री, उसके बाद आ गया प्लस, चले नेगेटिव, नेगेटिव एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन, आप प्लस था इसको नेगेटिव किया तो ये बन जाएगा वाई वन माइनस वाई थ्री, वाई थ्री एंड प्लस एक्स थ्री, ये बन गया वाई वन माइनस वाई टू। अब अगर आप देखें तो ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है, ये डिटर्मिनेंट ओपन हुआ हुआ है किस चीज का, हाफ टाइम्स ऑफ वन बाय टू, हाफ टाइम्स ऑफ वन बाय टू, अगर आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लें दिस इज एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वेरिएबल्स, उसके बाद वाई वन वाई टू एंड वाई थ्री एंड दिस इज वन वन वन, ठीक है। बिकॉज इसको आप एक्सपेंड करके देखें, इसको आप एक्सपेंड करके देखें तो आपके पास बिल्कुल यही चीज आएगी, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ दोबारा से, अगर आप देखें तो हाफ टाइम्स, ठीक है, ये आ जाएगा फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, ठीक है, यानी एक्स वन टाइम्स, एक्स वन टाइम्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, आ जाएगा वाई टू माइनस वाई थ्री, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव नेक्स्ट माइनस वाई वन, ठीक है, या चलें एक्स के साथ ही कर लें, ठीक है, माइनस एक्स टू अगर कॉलम के साथ एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, कॉलम के साथ एक्सपेंड करें, ठीक है, तो ये आ जाएगा अगर आप माइनस एक्स टू छोड़ दें, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, चलें पहले देख लें माइनस वन की पावर, माइनस वन की बनेगी सेकेंड रो फर्स्ट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम टू प्लस वन, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव एक्स टू करें तो ये बनता है, ये रो छोड़ दें, ये कॉलम छोड़ दें, वाई वन माइनस वाई थ्री, ये आपके सामने है वाई वन माइनस वाई थ्री, एंड देन प्लस एक्स थ्री के साथ कर लें विच इज पॉजिटिव, ठीक है, ये रो छोड़ दें, ये कॉलम छोड़ दें, तो आ जाएगा वाई वन माइनस वाई टू, वाई वन माइनस वाई टू। तो एग्जैक्टली वही चीज़ है जो मैंने यहाँ ऊपर आपको बनाई है। इसका मतलब है कि कोई भी किसी भी ट्राइंगुलर रीजन का एरिया फाइंड आउट करना हमारे लिए अब मसला नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल आई मीन एक रियल टाइम क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें जी, हमें बताया जा रहा है जी कि एक ए मैट्रिक्स है, एक ए मैट्रिक्स आई मीन एक एक ट्रायंगल है जिसका ए वर्टेक्स है वन फोर, उसका बी वर्टेक्स है टू माइनस थ्री, और उसका सी वर्टेक्स है, उसका सी वर्टेक्स है थ्री एंड माइनस टेन। अब हमें फाइंड आउट करना है ट्राइंगुलर रीजन का एरिया, तो एरिया किसके इक्वल होता है, हाफ टाइम्स, हाफ टाइम्स पहले सब एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, दिस इज एक्स वन दिस इज वाई वन, दिस इज एक्स टू दिस इज वाई टू, दिस इज एक्स थ्री, ये वाई थ्री है, तो एक्स वन की जगह एक्स वन, एक्स टू की जगह एक्स टू, एक्स थ्री की जगह एक्स थ्री, वाई वन की जगह वाई वन, वाई टू की जगह वाई टू, एंड वाई थ्री की जगह माइनस टेन एंड वन वन वन। अब अगर आप इसको सॉल्व कर लें, अगर आप इसको सॉल्व कर लें तो आप देखें इसका एरिया कितना आएगा, हाफ टाइम्स, हाफ टाइम्स ये आ जाएगा जी, अगर आप वन से एक्सपैंड करते हैं वन इंटू माइनस थ्री माइनस माइनस टेन, उसके बाद प्लस आई मीन माइनस फोर इंटू ये रो छोड़ दें कॉलम छोड़ दें टू माइनस थ्री, टू माइनस थ्री एंड प्लस वन इंटू ये रो छोड़ दें ये कॉलम छोड़ दें माइनस ट्वेंटी, माइनस ट्वेंटी माइनस इंटू माइनस 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 नाइन, ठीक है, तो ये आ जाएगा हाफ टाइम्स, हाफ टाइम्स माइनस थ्री प्लस टेन, तो टेन माइनस थ्री सेवन, तो वन टाइम्स सेवन इज सेवन, एंड इसके बाद टू माइनस थ्री इज माइनस वन, माइनस वन इंटू माइनस फोर प्लस फोर, प्लस फोर, एंड उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ट्वेंटी प्लस नाइन, माइनस ट्वेंटी प्लस नाइन इज माइनस ट्वेंटी प्लस नाइन इज माइनस इलेवन, तो सेवन प्लस फोर इज इलेवन, इलेवन माइनस इलेवन इज जीरो, तो हाफ टाइम्स जीरो इज इक्वल टू जीरो।
सो इसका मतलब है ये तीनों के तीनों जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो इसलिए दे आर नॉट मेकिंग ट्राइंगल। तो यहाँ से भी समझ आ गई कि अगर आपके पास एरिया फाइंड आउट करते वक्त आंसर जीरो आ जाए तो दैट मीन्स के वो जो पॉइंट्स हैं वो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे बल्कि वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं, आई मीन वो एक ही लाइन पे लाई करते हैं, वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं।